نحمده ونسلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل العقدات من لساني يفقه قولي وجعل لي وزيرا من اهلي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا التباع اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه आमीन सुम आमीन घर अल्लाह की एक नेमत और अमानत है घरों का बनाना एक फितरी जरूरत और हाजत है अल्लाह की जीरो मखलूक में चरिंद परिंदवान घर बनाते नजर आते हैं परिंदे नर और मादा अगर देखें तो कितनी मेहनत और कितनी जान परेशानी से दूर दूर से खुश घास के तिनके और वो छोटी छोटी शाखें जमा करके कितनी मेहनत से वो घर बनाते हैं घोंसला बनाते हैं और बिया का घोंसला कितना खूबसूरत है और फिर इसमें वो मादा अंडे देती है और दोनों नर और मादा मिलकर उन बच्चों को खिलाते पिलाते हैं ये घर है ये एक फित्री जरूरत है मछलियां समुन्द्र की तय में वो मादा अपने अंडे देने से पहले घर बनाती है हशरातुल अर्ज छोटी छोटी नन्नी मुन्नी वो च्यूटियां भी जमीन के नीचे बिले बनाती हैं खोदती हैं खोती हैं है। और कितना कॉम्प्लिकेटेड इंट्रिकेट सिस्टम ऑफ टनल्स और वो एंड हिल्स इतनी ऊंची ऊंची वो पहाड़ मट्टी के जमा हो जाते हैं शहद की मक्खी का वो घर वो बजाते खुद मखलूक के घरों में से एक रिमार्केबल फीट ऑफ परफॉर्मेंस है और फिर मकड़ी का जाला इंसान तो फिर अशरफुलमखलूक है ना रकत खलकन इंसान नफी असनी तकवीम तो इंसान के लिए घर बनाना उसको भरना उसको सजाना उसको आराम और सहूलत का जरिया बनाना यह तो एक फितरी जरूरत है इसके घर का बनाना ना नाजायज़ है ना मना है ना हराम है ना मकरू है बल्कि अहम पसंदीदा है और एन फितरत के मुताबिक है घर तो माशरे की बुनियादी अकाई और बेसिक यूनिट है इस बेसिक यूनिट में ऐसे लगता है कि जैसे वो एक नर्सरी है ना छोटे छोटे नन्ने नन्ने बच्चे जो हैं, वो उस नर्सरी में छोटे छोटे पौधे हैं और वो दोनों अजवाज उस घर की नर्सरी में इन नन्ने नन्हे पौधों को एक बहुत खूबसूरत दरख्त शजर तोयबिन माशरे के मुफीद अफरा बनाने में कामयाब होते हैं घर माशरे के अंदर बहुत अहमियत के हामिल है अगर घरों के अंदर मोहब्बतें हों सुकून हो, हो राहतें हो, अदल और इंसाफ हो तभी माशरे के अंदर मोहब्बत होगा सुकून होगी सुकून होगा और अदल और इंसाफ होगा घर बनाएं, जरूरी बनाएं, लेकिन घरों को बनाते वक्त उनको भरते उनको सजाते उनको चलाते वक्त ये जरूर याद रखें कि उनके अंदर के मामलात और उसके अंदर के रहने के दौरान रवैये और अमल जन्नत के घर के हसूल का जरिया बन जाए घर बनाए चाहे कुशादा और आरामदेह बनाए लेकिन ऐसा ना हो कि इनका इनका जौको शौक और इनकी मोहब्बत हमें कबर की कुशादगी और कब्र को रउाजन्ना बनाने वाले आमाल से गाफिल कर दे। हमारी शरीयत में और हमारे दीन में तरके दुनिया का तस्वुर भी नहीं लेकिन घर के दुनिया भी नहीं है घर बनाने के चक्कर में इन्हीं की मोहब्बतें अगर आखरत के फिक्र पर गालिब आ गईं ये घरों की मोहब्बतें अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्हल वसलम की मोहब्बत पर गालिब आ गई अल्लाह सुबहान तला ने सुना तौबा में वाज़े तौर पर निशानदही फरमाई है कुल इनकाना आबा उकुम व अबना उकुम व वा इखबान उकुम व अजवाच उकुम व अशीरवात उकुम व अम्वाल उन कतारफ तुमूह व तजारतन तकशउ न किसादहा व मसाकिन नहा सारी महबूब चीजें दिल पसंद चीजें वो रिश्तेदार माँ बाप बहन भाई तजारते बिजनेस ट्रेड कारोबार इंडस्ट्रीज और मसाकिन व नहा नहा वो तुम्हारे घर जो तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं इनका क्या है अहबाइल ही व रसूलिही व जिहाद इन फी सबील अगर ये सारी दिल पसंद चीजें जिनमें तुम्हारे घर भी हैं अगर ये तुम्हें अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की राह में जिहाद से ज्यादा महबूब है तो फिर क्या है फतर अब बसु फिर भी वेट करो हता यात्री अल्लाहब अम रही इन अल्लाह ला का उमल पास कि तुम्हारा मामला अभी लेटर ऑन है और एक बात अल्लाह ने वाज तौर पर बता दी कि अल्लाह फासिकों को हदायत नहीं देता खोया अगर इन चीजों की मोहब्बत अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्हल वसल्लम और जिहाद की मोहब्बत और शौक से बढ़ गई तो फिर कहीं फासिकों की सिफ में शामिल ना हो जाए और फिर कहीं फासिकों की तरह हदायत से महरूम न हो जाए घर बनाए जरूर ही बनाए लेकिन याद रखिएगा ये घर अल्लाह की एक नेमत है और अल्लाह का इनाम है नेमतों के मिलने पर क्या रवैया करना जरूरी है बहुत दफा लोग पूछते हैं कि जी हमारा घर बनने लगा है या हमारा घर बन गया है हम उसमें शिफ्ट होने लगे हैं तो हम क्या करें एक बहुत बड़ी नेमत है जो हमें मिल रही है घर का प्लॉट खरीद लें घर की बुनियादें खुदनी शुरू हो गई फिर छत पड़ रहा है घर मुकम्मल हो गया हम शिफ्ट होने लगे हैं ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत और इनाम है नेमतों के मिलने पर रब पसंद तरीका क्या है जो अल्लाह ने हमें कुरान और हदीस से सिखाया अगर सूरह कौसर देखें तो अल्लाह सवाल तआला ने नबी वसल्लम से मुखातिब होकर क्या फरमाया था इन्ना आतवाइना कल इन्ना आतवाइना हमने आपको कसीर नेमतें दी तो कसीर नेमतों में क्या करें फसल का हर, अपने रब के लिए नमाज पढ़े फसल नमाज पढ़े वन हर कुर्बानी दें अपने जान माल औकात की कुर्बानी दें तो गोया घर की किसी भी नेमत की हालत में क्या करना है नमाज को कायम करना है अगर पहले पंचगाना नमाजें नहीं भी पढ़ रहे तो प्लॉट आ गया है या खुदाई शुरू हो गई या डीपीसी से ऊपर घर चल गया है छत पड़ गई है या घर मुकम्मल ही हो गया और हम शिफ्ट होने लगे हैं तो अगर पहले कुछ नाफरमानी थी नमाजों में कुछ कमी थी तो नमाजें कायम करें पांच वक्त नमाज पढ़ने की रेजोल्यूशन कर लीजिए और फिर अल्लाह ने जब हमें घर दिया है तो हमारी ताकत हमारी सलाहियत हमारी इस्ततात से बढ़ के नेमत से नमाज दिया है तो सिर्फ पांच वक्त की नमाजें नहीं कुछ कोशिश कर लीजिए कि अपने घरों में शिफ्ट होने से पहले कोई ना कोई नफल नमाज का अहतमाम भी शुरू करें ताकि जब हम अपने घर में शिफ्ट हों मुंतिल हों तो सिर्फ हम और हमारे अहल खाना पांच वक्त की नमाज नहीं कोई ना कोई नफल नमाज तो पढ़ें वो चाहे तहजद है तो बेहतरीन होगी इन फर्ज नमाजों के बाद अफसल तरीन नबादो तो तहजद की है यही है न वन हर कुर्बानी दें ना अपनी दिलपस महबूब नींद की और अपने औकात की तहजद की आदि बन जाएं ताकि हमारे उस नए घर में हमारी पेशानियां सजदे की हालत में उस प्यारे घर में हम तहजद के वक्त सजदा सजदेज होकर अल्लाह से उसकी आफियत उसकी सहूलत उसके सुकून उसकी मोहब्बतों की दुआएं मांगी और इंशाल्लाह ये तहजद के औकात में है जब दुआएं रद्द नहीं होंगी अगर मसरूफियत है तो फिर इशराक पढ़ लीजिए चाश पढ़ लीजिए लेकिन कोई ना कोई नफल नमाज जरूर पढ़े अब शुक्राना के नवाफिल लता करें फसवालीली रौबिका वन हर कुर्बानी दें किसी शक्ल में सदका खैरात अल्लाह की राह में लाला फिला माल खर्च करने की आदत अपने आप को डे वन से डाल लीजिए जैसे ही आप प्लॉट खरीद लेते हैं घर की कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है या घर में शिफ्ट होने लगते हैं तो जरूर यह सदका खैरात क्योंकि ये घर इतना महबूब है कि एक दफा इसके विशेस सर्कल में पड़ गए तो बस इसकी फर्निशिंग और इसकी मेंटेनेंस और इसके ओवरहेड्स और इसकी एग्जीबिशन और डेमोस्ट्रेशन के चक्कर में कहीं ऐसे ना हो कि सदका खैरात से तंग हो जाए अपने औकात और अपनी सलाहियतें भी अल्लाह के लिए ला पेश करें और फिर कौसर के साथ सूरा नसर में अल्लाह फरमाते हैं बहुत बड़ी फतह थी जिसका शामिल हाल होने का वादा इतनी बड़ी नेमत थी फतेह मक्का की इतनी कामयाबी इतनी सक्सेस जब रसूल वसल्लम को मिली तो फिर अल्लाह ने क्या बताया था नसर जब अल्लाह की मदद आएगी तो फिर क्या करना वालफ और कामयाबी मिलेगी सक्सेस मिल जाएगी तो क्या करना है आखिर यात ने क्या फरमाया फे हमदे का वस्ता फिर अल्लाह की हमदो सना करें उसकी पाकी, उसकी बुजुर्गी उसकी तस्बी करें जिक्र करें और इस्तार करें नियमतों को हासिल करने के चक्कर में कभी हमसे ना फरमानियां हो जाती हैं ज्यादतियां हो जाती हैं हक तल्फियां हो जाती हैं कोई सरकशियां हो जाती हैं तो उस पर इस्तार करें फिर घर के बनने पर कहीं तकबर आ जाता है कहीं गरूर आ जाता है कहीं कोई नाफरमानियां इस्तफार करें और मुस्तबिल में भी कुछ इमकान है नाफरमानियों का तो फिर इस्तार को अपना मामूल बना लीजिए और फिर नेमत के मिलने पर अल्लाह ने हमें दुआ फातिर की आयत नंबर थर्टी फोर में सिखाई अलहमदुल्लाजी अजहबा अन हसन तारीफें उस जात की हैं जिसने हमसे गम को दुख को परेशानी को दूर कर दिया और वो बुरा बहुत बख्शिश करने वाला और बहुत कदरदान है ये नेमतों के मिलने के मिलने मौके पर की जाने वाली दुआ है ये फातिर की आयर थर्टी फोर में मौजूद है और नबी सल्लल्लाहु सलम इसको किसी भी तकलीफ के कटने किसी नेमत और किसी खुशी के शामिल हाल होने के मौके पर पड़ते थे और घर का मिलना या घर का शुरू होना कितने प्यारे अल्फाज हैं ना कि सब तारीफें उस जात की हैं जिसने हमसे हजन दुख को गम को घर के बगैर किसी कराए के घर में रहना किसी दूसरे के उधार के घर में रहना वाकई बहुत बड़ा गम और परेशानी है और आज की दुनिया में तो शायद सबसे बड़ी परेशानी ही ये और खासतौर तो पर खातन की परेशानी हाय मेरा घर नहीं घर बन जाएगा ना तो सारे गम और परेशानियां दूर हो जाएंगे आए, हमारा अपना घर नहीं है हाँ तो ये तो कितना बड़ा कितना बड़ा अल्लाह का इनाम है हम तो इस काबिल होते ही नहीं वो हमें माल सिकत सहूलत हालात फुर्सतें देता है कैसे सारी जिंदगी हम पैसे जोड़ के प्लॉट लेते हैं फिर नक्शा बनाते हैं फिर मेहनत करते हैं तो वही उस परेशानी को और गम को दूर करता है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसका शुक्र करना और यहीं से फिर मैं आपको कुछ असूल बताऊंगी हर नेमत के मिलने पर सबसे पहला पहला लफ्ज क्या है जो कहा जाता है मोमिन के लिए कुरान का दिन का नमाज का अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला कलमा है अल्हम्दुलिल्लाह का कलमा घर के शुरू होने या मुकम्मल होने पर कहें लेकिन याद रखें कि ये अल्हम्दुलिल्लाह का कल्मा हमारे लिए चार बातों की बेसिक याद दहानी और तरबियत करता है जिक्र जिक्र सबर तकबर की नफी और शुक्र तो जब घर बन रहा है तो ये करने के चार काम है सबसे पहले जिक्र जिक्र इलाही दिल में अल्लाह की याद हो जिसके करम से जिसके फजल से जिसकी मेहरबानी से ये मिला है और मिला रहेगा ये अल्लाह की नेमत है तो दिल में अल्लाह की याद होगी और जबान पर उसका नाम होगा इसको अपना मामूल जिस दिन से प्लॉट लें जिस दिन से बुनियादें खुदें जिस दिन से घर में शिफ्ट होने लगे जिक्र इलाही को अपना मामूल बना लीजिए लाही मुख्तलिफ शक्लों में है ना? अल्लाह फरमाते जिक्री मेरा जिक्र करना चाहते हो मुझे याद रखना चाहते हो तो नमाज कायम करो तो वही बात जो मैंने आपको ऊपर सूरा अलकवसर में बताई फसल रबिक नमाज नमाज का क्याम अहल खाना की नमाज का क्याम वमर अहल का बिसलात अपने घर वालों को कहें और जिक्र करें अब हम अपने घर की नमत से नवाजे गए हैं अब हमने इसमें पांच वक्त नमाज का अहतमाम करना है किसी न किसी नवाफिल का अहतमाम करना है। और शुक्राना के नवाफिल पढ़ें अपने घर वालों को कहें इस बात की तरबियत करें और फिर जिक्र की एक और शक्ल कुरान ताल्लब बिलकुर अहल खाना को भी और खुद भी ये रेजोल्यूशन कायम करें अपने घर वालों से मिलकर कि हम अपने नए घर में मिलकर इन शुरानी कहना मशहूदा हमारे इस नए घर से अल्लाह के हजूर ये गवाहियां पहुंचेंगी कि फजर की नमाज मर्द बा बाजमात पढ़ने के लिए चले जाते थे माएं अपने बच्चों को लेकर अपने घरों में बैठ जाती थी नमाज पढ़ती थी और फिर मर्द भी आके अपने कुरान खोल लेते थे और बच्चे और औरतें और भी अपने कुरान खोल लेते थे कुरान से जुड़ने का अहद और माहिदा कर लीजिए ये कुरान ही कुरान ही इस घर में कामयाबी से जिंदगी गुजारने का नुस्खा भी बनेगा हदायत का जरिया भी बनेगा खुशियों का जामिन भी बनेगा रहनुमाई भी करेगा और बायस बरकत और फयूज और बरकत का जरिया भी बनेगा कुरान से जुड़ने का अहद कर लीजिए घर में शिफ्ट होने से पहले जिक्र सुबह शाम के इस की, की शक्ल में भी है वजह के बाद असर के बाद इसे बेहतरीन हिफाजत की दुआएं जब हमारा कोई प्लाट आ जाता है घर की कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है घर के में हम शिफ्ट होने लगते हैं हसद आज के मटेरियलिस्टिक दौर में हसद बहुत आम है लोगों को भी मिन आउजि मा खलक शाह ये लोगों के हसद से बचाएगा हर किसम बिस्मीलाए उस घर को उस घर के बासियों को घर के रहने वालों को नागहानी आफात से मुश्किल से बीमारियों से हर किस्म की मखलूक की तकलीफ और मसाइल से बचाएगा और फिर तस्बीहात करें चलते फिरते उठते बैठते कुछ दुआएं भी हैं जो मैं सजेस्ट करूंगी रब्बी इन्नी लिमा अनजलता इलैया इन फकीर ये हजरत मूसा ने दुआ मांगी थी कि अल्लाह तो मेरी तरफ जो भी खैर नाजिल करेगा मैं उसकी फकीर हूं मैं उस पर डिपेंडेंट हूं अल्लाह से उसकी खैर मांगने की बेहतरीन खूबसूरत दुआ है मसनून है कुरानी है और फिर दुआ मांगे रब्बी ला नहीं फरत हुआ अंत खैर उलवार सीन कि अल्लाह मुझे तनहा ना छोड़ना और तू बेहतरीन वारिस है रब्बी अदखिल नहीं वो खला सिद्ध के हूँ वो अखरिज नहीं वो के हूँ वह जो अल्ली मिल्ला दुन का सुल्तान नसीरा ये सुरा बनी इसराइल में सुरा इसरा में दुआ है हर नए काम से पहले हर नए मरखले से पहले किसी जिंदगी की नई प्रोजेक्ट से पहले ये जरूर दुआ पढ़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत से पहले पढ़ाई गई थी और सिखाई गई थी तो ये दुआएं पढ़े और वैसे व सुबह हमदही सुबह सुबहदुल्ला वाला, वाला अकबर चौथा कलमा अपनी जुबान पर जरूर जारी रखें क्योंकि नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं ना तो अच्छे और बड़े बड़ी नेकियां करनी है वला जिक्रुल्लाह अकबर जिक्र इलाही सबसे बड़ी बात है जिस काम के दौरान जिक्र इलाकी होता है वो काम इबादत बन जाती है इस नए घर में हमारे सारे काम इबादत बन जाएंगे इनशा और भरपूर अजर मिलेगा इन अगर जिक्र जबान पर होगा घर में सुकून चाहते हैं अल्लाह बिक्र तत्माकलूब घरों के अफराद के दिल मुतम और पुरसकून हो जाएंगे अगर जबान पर जिक्र इलाकी होगा अल्लाह ने कुरान में फरमाया बरा तकुमेन अल्वाफली तो गाफिल लोगों में से ना हो जाना नहीं घर में शिफ्ट हो रहे हैं अल्लाह के जिक्र से गफलत नहीं होगी और फिर शैतान के वसव से जिसने इस घर में बेसकूनी पैदा करनी है इस घर में लड़ाइया झगड़े कहीं और आपस के दिलों को आपस में एक दूसरे से बदगुमान करना है शैतान ने वसव से और शैतान ने वसव से डाल के अल्लाह की नाफरमानी के काम इस घर में करने हैं तो फिर शैतान के वसुसों से बचने के लिए भी जिक्र इलाही सबसे मुजरब नुस्खा है आप जिक्र इलाही तो अल्लाह ने फरमाया ना वो मन अन आरजिक लहू मईशतनजन का जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा चाहे नमाज से चाहे कुरान से चाहे तस्बीहात से चाहे सुबह शाम के असकार से चाहे चाहे नमाज के बाद के असकार से जो मेरे जिक्र से यानी उसके दिल में मेरी याद नहीं और जबान पर मेरा नाम नहीं होगा मैं उसकी जिंदगी मायशतन जंग का मैं उसकी मीशत उसकी जिंदगी के गुजरान को तंग और दूभर और अजीरन कर दूंगा आपने देखा होगा बड़े बड़े घर है खूबसूरत घर है लेकिन घर के अफराद जिंदगी से तंग हैं, घर से तंग हैं, एक दूसरे से तंग और बेजार है, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं फितने है, फसाद गुस्से हैं, गाली गलोच है, है। तान तिशने हैं, यह है माई शतनजंग का इस घर में इतने बड़े खूबसूरत महल जैसे घर के अंदर लदे हुए नेमतों से और भरे हुए माल से नौकर चाकर रेल पेल गाड़ियां सवारियां सोने घीरे जावरात सोने के लुक में चमचे चांदी के लेकिन घर में क्या है जिंदगी गुजारना दूबर और अजीरे ने घर में जिक्र इलाकी नहीं अल्लाह का नाम नहीं तो ये अहद कर लीजिए और ये तरीका सीख लीजिए फिर दूसरी बात सबर सबर तहमुल जल्दबाजी नहीं करनी आज जल्दबाजी भी अल्लाजिला जल्दी से घर बन गया अब फिनिश भी हो जाए फिनिश भी हो जाए अब नहीं जल्दबाजी नहीं करनी अब सब कुछ ठीक हो जाए नहीं तहमुल सबर टॉलरेंस पेशेंस और फिर एक दूसरे के साथ सबर मिया बीवी आपस में गुस्सा नाराजगी खफगी नहीं सबर करें बच्चे मां बाप के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं सबर करें मालिक ममलूकों के साथ आका मुलाजिमों के साथ हर जगह पे सब्र होगा टॉलरेंस होगी पेशेंस फॉर पेरेंस और फिर सबर एक और तरीके से भी है फर्स्ट बिरली हॉक बिरपिक अपने रब के हुक्म के लिए सबर करना ये घर बनेगा इसका माहौल इसका ताना बाना इसकी डेकोरेशन इसकी फर्निशिंग्स इसकी महफिलें इसका सब कुछ अब अल्लाह और अल्लाह के कुरान और रसूल वसल्लम के अहकाम के मुताबिक होगा इसकी डेकोरेशन इसकी महफिलें सब कुछ कुरान और हदीस के रंग के मुताबिक होंगी तो क्रिटिसिज्म होगी तनकीद होगी लोग उसका मजाक उड़ाएंगे तो उस पर क्या करना है फास पिरली हुक्म रबिक अल्लाह के एहकाम पर जमे रहना है डटे रहना है सब्र का मतलब क्या है जब अल्लाह की अतात करते हैं नबी सल्लासम की फरमा बरदारी करते हैं और अल्लाह की अतात और फरमा बरदारी करते हुए माशी माली रूहानी सोशल साइकोलॉजिकल इमोशनल किसी किस्म की डिफिकल्टीज क्राइसिस कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो फिर अल्लाह की अतात पर जमे रहना है डटे रहना है यू टर्न करके छोड़ नहीं देना है और फिर अपने नफ्स को उस वक्त घबराहट परेशानी और एंग्जाइटी और टेंशन से रोके रखना है और फिर अल्हम्दुलिल्लाह का तीसरा मतलब तकबर नहीं करना जबकि कोई बड़ी नेमत मिलती है इतनी बड़ी सी घर इतना बड़ा सा कोठी इतनी बड़ी सी हवेली बन गई मेरा कमाल है मैंने बड़ी मेहनत की थी मैंने जिंदगी में बड़े पापड़ बेले हैं, मैंने मैं बीवी बड़ी सियानी थी मैंने जोड़ जोड़ के रखा है और हमने मुशक्कत ही बड़ी की है मेरी डिग्री बहुत बड़ी थी मैं कमाता ही बहुत था मेरे घर में मेरी प्लानिंग बहुत अच्छी थी मैंने फर्निशिंग बहुत अच्छी की मैं टेस्टफुल बहुत हूँ मैं रिफाइंड बहुत हूँ नहीं तकबर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह का करम है अल्लाह का फजल है उसकी देन है मेरा माल मेरी सलाहियतें मेरा टेस्ट मेरी सहूलतें मेरी ताकत ये सब अल्लाह का देन है कोई तकबर नहीं अपने किसी छोटे घर वाले अजीज को किसी कराए में रहने वाले भाई बहन को अपने से हकीर नहीं समझना अपने से कमतर नहीं समझना अपने आप को किसी तरीके से बेहतर नहीं समझना और उस तकबर और उस बड़ाई के चक्कर में और रे और नमूदो नुमाइश नहीं करनी और फिर अलहमदुल्ला का तीसरा मतलब शुक्र अल्लाह की नमतों का इतराफ वो जो खुद कहता है तुम्हें इतनी नेमतें दे दी हैं कि अगर तुम गिनना चाहोगे तो शुमार नहीं कर सकोगे काउंटलेस एंडलेस इन्यूमरेबल जितनी मांग के लिए उससे ज्यादा वो बिन मांगे देता है जितनी जानते हैं उससे ज्यादा उसने वो दिए जो हम जानते ही नहीं है उससे शुक्र करें उसकी नियमतों का इतराफ करें घरों में शिफ्ट होकर न शुक्रिया हो रही होती हैं हमारा घर छोटा है प्लॉट छोटा लिया हमने डे वन से लोकैलिटी अच्छी नहीं है कॉर्नर प्लॉट नहीं है लोकेशन अच्छी नहीं है अच्छा अगर ये सब कुछ अच्छा है तो हमने फिनिशिंग्स अच्छी नहीं की टाइल्स अच्छी नहीं है फ्लोर और वुड वर्क क्वालिटी का नहीं है हाय काश कभी इटालियन टाइल्स लगवा लेते हाय काश कभी क्राइट लगवा लेते काउंटर्स के ऊपर मेरे क्रनाइट लगा होता फिर न शुक्रिया अगर अच्छा भी बन गया लोकेलिटी भी अच्छी है घर खुला भी है कुशादा भी है बेहतरीन फिटिंग्स आ गई हैं फिर फर्निश ही नहीं हुआ लेटेस्ट तौर पर हमने अभी फर्निश ही नहीं किया अगर फर्निश हो गया बड़ा खुला कुशादा फर्निश सब कुछ हेल्प अच्छी नहीं है सर्वेंट्स अच्छे नहीं है अच्छा सब कुछ भी है सर्वेंट्स भी अच्छे हैं कंबाइंड है ना सिस्टम तुम्हें रहना पड़े तो तुम्हें पता चले सेपरेट है ना इतना बड़ा घर अकेली को संभालना पड़े तो तुम्हें पता चले न शुक्रिया ये घुन के रोग की तरह खा गई है हमारी खुशियों को ये घुन की तरह लग गए हमारे घरों की खुशियों को ये रोग है न शुक्री का अल्लाह ने फरमाया ला इन शकर तुम ला अजी धन न कुम अगर तुम शुक्र करोगे तुम्हें मजीद नियमतों से नवाजूंगा वाला इनका फर तुम न अजाबी न शदीद अगर तुम मेरी न शुक्री करोगे गुफरान नमत करोगे तो याद रखना मेरा अजाब शदीद है और न शुक्री का अजाब ही तो है लाखों करोड़ों नमतों में तुलने नपने और अल्लाह की नमतों में नवाजे जाने के बावजूद न शुक्रिया किसी के पास लाखों करोड़ों नेमतें हों लेकिन न शुक्री हो और दिल न शुक्रा हो ना तो वो कभी मुतमईन और पुरसकून नहीं होता हर वक्त क्रिबिंग ग्रम्बलिंग बिक्रिंग बॉदरिंग लेकिन अगर हजार हजार महरूमियों के बावजूद दिल के अंदर शुक्र की नेमत हो तो वो राजी बरज़ा, कंटेंडेड, मुतमईन मुतमिन पुरसकून होगा शुक्र करें और ये इतनी बड़ी नेमत के मिलने पर तो शुक्र असर से करें बहुत शुक्र शुक्र जबान से भी करना है शुक्र दिल से भी करना है दिल से अल्लाह के उबलाइज हो जाए उसको अपना मोहसिन बना लीजिए उसको राजी करने की तड़प और तलब को अपनी जिंदगी का असल पैमाना बना दीजिए जिसने आपको नवाज दिया घर की नेमत से और फिर शुक्र अमल से भी होता है दैट इज एग्जैक्टली हाउ वी थैंक यू ना जबान से भी करते हैं फिर हम दिल से भी उसकी उबलाइज फील करते हो फिर हम उसका गिफ्ट रिटर्न करके अमल से भी उसको उसको थैंकफुल होते हैं तो अल्लाह का अमल से भी शुक्र करना है और अमल से शुक्र क्या है जब अल्लाह ने हमें घर की नेमत से नवाज ही दिया है तो अमली शुक्र का तरीका क्या है कि ये घर घर की बुनियादें उसके दरो दीवार उसकी रोगन उसकी कलई उसका ताना बाना उसका माहौल उसका सब कुछ उसका सब कुछ टू द माइन्यूटेस्ट ऑफ डिटेल रब पसंद होगा रब पसंद होगा रब की हदूद और कईद के मुताबिक होगा रब के अहकाम के रंग में रंगा जाएगा यह है अमली शुकर का तरीका यह तरीका होगा तो घर मजबूत होगा उस रब के अहकाम में खैरोकमत है अल्लाह का तो एक, -एक हुक्म ऐसा है कि उसको माना जाए तो वह खैरो बरकत लाता है उसका एक एक हुक्म ऐसा है कि वो जिंदगी में से निकल जाए तो बरकतें उठ जाती हैं और क्राइसिस और मुश्किल शुरू हो जाती हैं अल्लाह ने सूर लन कबूत में मकड़ी के जाले की मिसाल दी है इन्ना अहनल बू तिल बैतिल कबूत के सबसे कमजोर घर वो घर होता है जो मकड़ी का जाला है और सुरान कबूत में अल्लाह ने फरमाया कि वो लोग जो अपने घरों का ताना बाना अल्लाह और अल्लाह के रसूल अतीउल्लाह व अति रसूल वसल्लम के मुताबिक नहीं बनाते उन घरों की मिसाल बैतिल अंकबूत की तरह है मकड़ी के जाले की तरह है तो वो घर जिसका ताना बाना और जिसका माहौल व वती रसूल वसल्लम के पैमाने के मुताबिक तामीर ना हुआ वो घर अखनल बूत और कमजोर घर होगा। कहा मैं फिर वही बात रिपीट करूंगी क्योंकि मैं दिल की गहराई से यह बात महसूस करती हूं आपने देखे होंगे घर बड़े बड़े घर बैंगलोस ह्यूज मैंशन एंड लॉजेस बड़े बड़े घर ऊंचे खूबसूरत हसीन महलात, देखने में इतने हसीन लगते हैं देखने में बाहर से वो घर ऐसे लोगों की निगाहों को खीरा कर रहे होते हैं उनका हुसन और उनकी उनका रोब इतना हसीन और जमील घर होता है लेकिन घर के अफ़राद और घर के माहौल में ना उसने सलूक है ना उसने मामलात है ना उसने अखलाक है ना उसने इबादत ऐसे चमकते हुए रोशन साफ सुथरे उजले घर ड्राइव एक्सटीरियर्स स्पॉटलेस लेकिन घरों के घरों के अफराद के दिल गंदे सोचे गंदी कीने बुगज नफरतें भरे हुए क्या करना है ऐसे साफ सुथरे उजले चमकदार हसीनों जमील घर को देखने वाले को लगेगा कि पता नहीं कितने पुरसकून और आराम आरामदे लेकिन घरों के अंदर सुकून नहीं है मोहब्बतों के अंदर दराड़े हैं दिलों के अंदर शगाफ ना है ना कोई बॉन्ड्स है ना कोई ताल्लुक है ना मोहब्बत है ना सुकून है ना राहतें बेसकूनिया हैं नींद की कमी है शहर रो रहा है ना मुझे दिन को आराम है ना मुझे रात को आराम है बीवी रो रही है मेरे घर में सुकून नहीं है बच्चे रो रहे हैं चीख रहे हैं चिंघाड़ रहे हैं मालिक मुलाजिमों पर चीख रहे हैं मुलाजिम मालिकों के ऊपर चिघाड़ रहे हैं ये ये बदहाली है अहनल बयूत है ये घर चल के आ रहा है घिसट रहा है देखने वालों को बड़ा पुरुष को है लेकिन अंदर के हालात को अंदर वाले ही जानते हैं अपने घर को अहनल बयूत नहीं बनाना चाहते पुरसकून घर बनाना चाहते हैं मोहब्बतों की अमाजगा बनाना चाहते हैं अमन और सुकून का गहवारा बनाना चाहते हैं जन्नत का नमूना बनाना चाहते हैं तो अपने घरों की बुनियादों अपने घर की उस बुनियादों में दरुस्त अकायद दुरुस्त अकायद की बुनियादें बनाइए अपने घरों को अपने घरों की बुनियादें उठाते वक्त हकूक उल्लाह पर अपने घरों की बुनियाद उठाएं नमाज रोजा जक़ात कुरान खौफ खुदा आपको पता है कि मोमिन के दिल में किसी भी इंसान के दिल में जब ईमान का बीज पड़ता है तो क्या निकलता है सबसे पहले सबसे पहले उस ईमान के बीज में से जड़ें निकलती हैं वो बीज वहां पर मजबूत होता है तो अमाले सवालिया की कौपले निकलती है ना तो जब घर की बुनियादें डालेंगे तो फिर वो जड़ें जो ईमान के बीज से निकलती हैं ना रूहानी इबादत की रूहानी इबादत की खौफ खुदा तकवा तवक्ल कनात सबर शुक्र जिकर ये बुनियादों में डालना जरूरी है घर की बुनियादें दरुस्त अकायद पर और जिस्मानी, रूहानी और माली इबादत पर जब उठेंगी तो वो घर वो घर मजबूत रहेगा कोई बैरूनी ताकत उसमें दरार नहीं डाल सकेगी उसको हिला नहीं सकेगी चाहे वो शैतान की है चाहे वो दज्जाल की है चाहे वो दज्जाली फितनों की है चाहे वो फितना परवर मुनाफिक रिश्तेदारों की है घर की दीवारों को हकूकुल इबाद पर उठाना है वालदेन के हकूक की पहचान बहन भाइयों के रहम के रिश्तों के हकूक की पहचान मुलाजमों के हमसायों के हकूक की पहचान औलाद के हकूक की पहचान माशे के कमजोर मस्किन तबके के हकूक की पहचान और फिर घर के छत हकूक जोजैन की बुनियाद पर डलेंगे बीवी शौहर के हकूक को पहचानेगी शोहर बीवी के हकूक को पहचानेगा और मैं आपको बताऊं कि मुसलमान घर आने के अंदर एक मुसलमान घर के अंदर क्या करना है हकूको फराइज की जंग नहीं है याद रखिएगा मुसलमान घर आना मुसलमान आंगन कोई कुश्ती का अखाड़ा कोई लड़ाई का मैदान नहीं है कि सब अपने अपने हकूक की चीना झपटी में लगते हैं नहीं अहद कर लीजिए अपने घर में शिफ्ट होने से पहले कि हम सब ने अपने अपने फरायज अपने अपने फराइज को पूरी फर्शनासी से अदा करना है हमारे फरज दूसरों के हकूक हैं उनको हमने एहसान से अदा करना है हमने अपने फरज की फिक्र करनी है क्योंकि कयामत के दिन फरज पर सवाल सवाल है उनकी अदम अदायगी पर सजा है हिसाब है और पकड़ और पूछ और मुआवजा है अपने फराइज की अदायगी करनी है अपने हकूक को अल्लाह के हजूर छोड़ देना है वो हकूक अपनी शान से दिलवाएगा कि घर में छत हकूक जोजैन पर बनाए और फिर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वो जो दीवारों की प्लास्टरिंग है और जो दीवारों की क्योरिंग है वो जो पानी लगाते हैं और पलस्तर वगैरह करते हैं वो ताल्लुक कुरान से होगा पूरे अपने घर के पूरी अपने घर की इमारत की तामीर के वक्त ताल्लुक कुरान वल हदीस कुरान और हदीस के साथ जुड़ जाइए तामीर के मरहले में इनिशियली शिफ्ट होने के मरहले में यही रहनुमाई करेगा यही गाइडेंस है मुत्तकीन है रोगन और कलई अपने घर की हुस्ने अखलाक से करने की कोशिश करें अपने घर को आरास्ता करें हुस्ने मामला से हसन सलूक से सिला रहमी से दर्द दिल से मदारात से मेहमान नवाजी से खबरगिरी और नीयतों के खलूस और ईसार से अपने घरों की लाइटिंग करें अपने घरों को मुनवर करें किसके साथ कुरान हदीस की तालीम के साथ, साथ। अल्लाह ने सुरा अहज़ाब में उमहातुलमोमिन को उनके घरों के लिए एक तरीका बताया वस्कुरना लाही ला वल हिकमा कि वो जो आयात तुम्हारे घर में पढ़ी जाती हैं और जो हिकमत की बातें हदीस और सुन्नत के जरिए तुम्हें बताई जाती हैं उनका जिक्र करो उनको याद रखो उनसे याद दहानी कबूल करो उनको मेंशन करो और अपने घरों को छोटे छोटे जिक्र की कुरान की तालीम और तदरीस की महफिलें बना लो इज्तमाहीले खाना माँ बाप बच्चे इकट्ठे बैठे और तस्कीर हो या तिहानी हो और फिर अपने घरों में दावत और तबलीग के मरकज और मनाकर बना लीजिए अपने घरों को इन से, इन चीजों चीजों से से मुनवर करें अल्लाह सुबहाना अल्लाह सुबहाना तला हमें अपने घरों को कुरान की तालिमात से मुनवर करने और हदीस की तालीमत से मुआतर करने की तोफीकता फरमा अपने घरों को साफ रखना है अल ईमान हम दुनियावी सफाई पर तो बहुत जोर देते हैं लेकिन अपने घरों को और अपने घर के वालों के दिलों को साफ रखना है अहद कर लीजिए घर में शिफ्ट होने से पहले कि हमने अपने दिलों को और अपने घर के माहौल को हसद से साफ रखना है हसद से साफ रखना है ये नेकियों को जला के राह कर देती है बड़े बड़े गुनाहों के दर खोल देती है अरे हसद ने तो हसद ने तो ने यूसुफ जो हजरत इब्राहिम हजरत हसद याकूब अलैहिस्सलाम, जैसे जलीलुल कदर अंबिया की लड़ी में आ रहे हैं उनसे भाई को कत्ल करने की साजिश हजरत इब्राह हजरत आदम असल्लाम के बेटे कि दिल में हसद आया तो उसने भाई को कत्ल कर दिया अपने घर को सुकून और मोहब्बत के लिए हसद से बचाना है फिर अपने दिलों को अपने दिलों को हर किस्म के कीने बुहस नफरतें कदूरतें वो जो आपस के गंदे मेले कचैले कड़वे कसैले जज्बात है ना जिसका इजहार इन जुमलों से होता है जहर लगती है वो मुझे आई जस्ट स्टैंड हर टॉलरेट नहीं कर सकती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती उसे ये है वो कीना वो बहस ये ये घरों के ताल्लुकात को ऐसे दराड़े डाल के रख देता है घर को जन्नत का नमूना बनाना चाहते हैं और घर को जन्नत के हसूल का जरिया बनाना चाहते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जन्नतियों के दिल परिंदों की तरह साफ होंगे अपने दिलों को गिल से साफ कर लीजिए कुरान की दुआर अब बना लताज अल्लाजीना आमोल हमारे दिल में मोमिनों के खिलाफ कोई की ना कदूरत मैं आपको बताऊं दिल को ग साफ कर लीजिए बहुत हल्का फुल्का हो जाता है जिंदगी बहुत आसान हो जाती है और फिर मनी रिलेटेड मामला हवस तमा लालच हिरस डिजायर फॉर मोर वो जो कहते हैं दिल मांगे मोर अरे घर मिल गया नमतों से माला माल हो गए अब और क्या है इबने आदम का हाल यह कि दो वादियां भी सोने की होंगी तो वो चाहेगा कि एक और हो इबने आदम तेरा मुंह तो कबर की मट्टी भरेगी तो लास्ट डिजायर ऑफ मनी सुरा तकासुर में अल्लाह ने फरमाया ना अल्लाह को दिया तुमको तकासुर ने तुम्हें लग पता जाएगा तकासुर क्या है मेरा घर सबसे बड़ा हो मेरा घर सबसे बेहतरीन कंस्ट्रक्शन हो मेरे घर की फिटिंग्स फर्निशिंग्स द बेस्ट अल्टीमेट हो मेरे घर की फर्निशिंग बेस्ट हो मेरे घर की मेंटेनेंस बेस्ट हो इसमें दावतें बेहतरीन हो मेरी क्रॉकरी, मेरी कटली, मेरा शैंडलेयर उसमें मेरे लिबास, उसमें डिजाइन आह वाह वाह करें लोग है कहीं ये है तकास कहीं हमें हकूक से हकूक लिबास से माशे के कमजोर तबके की जरूरतों हाजतों से काफिल न कर दे कहीं ये घर और इसका तकासुर हमें आखरत से गाफिल ना करते फिक्र आखरत से गाफिल ना करते इसको भरने दिखाने एग्जिबिट और डेमस्ट्रेट करने और इसी के चक्कर में हम कहीं हता जो तुमुलिर इस घर को छोड़ के जाना है ये घर शायद एक कागज के टुकड़े में मेरे नाम है मेरे शोहर के नाम है मैं इसे समझती हूं कि ये मेरा है नहीं ये मेरा नहीं है ये आरजी है ये आर्जी है याद रखिएगा मैंने अपने इस इतने बड़े भरे हुए लदे हुए घर को इतनी जल्दी इतनी जल्दी इतने खाली हाथ छोड़ के चले जाना है कि एक किराएदार भी मालिक मकान के घर को इतनी जल्दी छोड़ के नहीं जाता इस तरह रहिएगा जुल्मी ना इंसाफी अक्तलफी नहीं मैं मालिक हूं मेरी मर्जी चलेगी मेरा सिस्टम चलेगा मेरी अथॉरिटी चलेगी मेरी पॉलिसी चलेगी नहीं पता नहीं कितनी देर के बाद दो घंटे दो घड़ियां दो हफ्ते दो महीनों के बाद शायद मैं इस घर में बेकमो कास्त पड़ी होंगी मेरी बेटियां मेरी बहुए मेरी नवासियां मेरी पोतियां मेरी बहनें मुझे इसी में कसला रही होंगी कफना रही होंगी मेरे बेटे इसी से मेरी मैयत उठा रहे होंगे वो जिनके ऊपर शायद हम जुल्म करते हैं जबर करते हैं वो बहुएं वो बेटियां इस घर को कल संभालेंगी जबर ना करें जुल्म ना करें ज्यादतियां ना करें ना इंसाफियां ना करें कयामत के दिन अल्लाह ने पूछना आईनल जब्बारून आईनल मुतकबरून लिमनल मुल्क आज जबर करने वाले कहाँ हैं? आज तकबर करने वाले कहाँ हैं? आज बादशाही किसकी है हम मालिकने नहीं है ये तो आरसी हैं। ये बहुत आरजी हैं। उस अवधि की फिक्र में लगे रहना है इसराफ नहीं करना घरों की फर्निशिंग में कंफर्ट्स, सहूलतें इम्यूनिटीज जायज हैं हलाल हैं, जरूर कीजिए अपने दौर के हवाले से जो मॉडर्न इम्यिटीज है उनको इस्तेमाल करने से शरीयत मना नहीं करती है अपने आप को कंफर्टेबल करें एयर कंडीशनिंग से करें कूलर से करें हीटिंग से करें अपने फ्लोर्स को कंफर्टेबल करें ये तमाम सहूलतें हासिल करने से शरीयत हमें मना नहीं करती है ये कंफर्ट्स ये जो सहूलतें हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमने अपने घरों में रख लेने हैं वो हमारा वक्त बचाएगा हमारी इबादात में मुआविन बनेगा हमारे घर की इम्यूनिटीज हमारे सुकून और राहत का जरिया बनेगी हमारी इबादात में हुसन का जरिया बनेगी हमारी थकावट में कमी होगी नींद में सुकून होगा इन चीजों को जाए हद तक इस्तेमाल करना मना नहीं है हर दौर के लिए हर दौर के लिए उसकी अपनी साइंटिफिक तरक्की और इरतका के मुताबिक उसकी उसकी लेटेस्ट इम्यूनिटीज हैं उनको इस्तेमाल करने से शरीयत मना नहीं करती गैस बिजली ये तमाम चीजें इस्तेमाल करें मशीनरी इस्तेमाल करें इलेक्ट्रॉनिक्स को इस्तेमाल करें इन चीज़ों को अपने वक्त की बचत और सहूलत का जरिया बनाएं अपनी ताकतों के बचत का जरिया बनाएं ताकि हमारे पास अल्लाह के हकूक अल्लाह के बंदों के हकूक कुरान के मुताले इबादात के लिए हमारे पास वक्त हो लेकिन ये सब एक जायज हद तक होगा अल्लाह ने कुरान में वाजे तौर पर फरमाया कुलू अशरबू खाओ पियो पहनो ये सब कुछ करो वाला तश्रफु इन्नाब्बुल युहिब्बुल ते देखो इसराफ ना करना इसराफ क्या है कि जो माशरे का अपने दौर के माशे का जो मिडिल क्लास स्टैंडर्ड है उससे महज इसलिए एक्सीड कर लेना कि हम वन अप होना चाहते हैं रिया दिखावा नमूदो नुमाइश एग्जिबिशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ के लिए जब मिडिल क्लास स्टैंडर्ड से एक्सीड कर लिया जाए कि हम इस घर को कोई बहुत बड़े फ्रेंच क्रिस्टल्स के साथ ही हम शैंडलियर्स लगाएंगे तो हमारे घर में रोशनी होगी नहीं ये इसराफ है कुलू वाला वला स्रिफु क्यों इसराफ क्यों ना करें हमारे पास हमारा माल है ना हमने कमाया हम क्यों ना इसको जैसे स्पेंड करें जैसे हम चाहते हैं इन नोहेबुल मुशरफीन इसलिए इसराफ ना करेंगे अल्लाह के महबूब बंदों की सब में से निकालने का जरिया बनेगा वाला बज़र तबजीरा तबजीर ना करें तबजीर इसराफ से भी ओवर स्पेंडिंग की उससे भी बिगड़ी हुई शक्ल है वाला तब्जर तबजीरा मुबरीन अकान अहवान शया तुन इसमें कोई शक ही नहीं कि तब्जीर करने वाले शैतान के भाई बंद हैं जब इसराफ होगा तो फिर अल्लाह की मोहब्बत से महरूम होंगे लेकिन इसराफ से बड़ी भी वेस्टफुल स्पेंडिंग होगी तब्जीर होगी तो फिर शैतान के भाई बंद बच जाएंगे अल्लाह माना तचल नमिन हूं तो लिहाजा इसराफ और वेस्टफुल्स पेंडिंग से बचना है तब्जीर से बचना है तब्जीर वो वेस्टफुल स्पेंडिंग है कि उन चीजों पर स्पेंड कर दिया जाए जो यूज़ ही नहीं करनी जो बेकार है जिनका फायदा ही कोई नहीं जो मकसद ही कोई नहीं वो तबीर है रिया से बचना है रिया की तो हदीस है ना कि रिया के दिखावे और रिया की तो नमाज भी शिरक है दिखावे और रिया का तो सदका भी शिरक है तो वो दिखावा युराउना नास लोगों को दिखाने के लिए जो काम किया जाएगा अगर बड़ी सी कोठी और उसकी फर्निशिंग दिखावे के लिए कर दी गई तो वो क्या होगा मैं फिर दोहरा रही हूं। दिखावे की तो नमाज और सदका भी शिरक बन जाता है इबादात में भी अगर लोगों को दिखाने का शौक आ गया तो वो शिरक हो जाएगा तो ये तो चीज खालिस्तन दुनियावी है इसमें अगर दिखावा आ गया तो ये शिरक होगा आप सल्लाहलम आयशा रहा की तरबियत की थी जब उन्होंने एक रेशम का पर्दा डाला था तो उन्होंने फरमाया था कि आयशा ये पत्थर और चूने की दीवारें रेशम से सजाए जाने के लायक नहीं है वो जो महंगी महंगी ड्रेपरीज और अपहोल्स्ट्रीज और तीन तीन चार चार लेयर्स रॉ सिल्क और की और फिर जाचेट की और वॉट नॉट जिनको पहले लगाना फिर उनकी मेंटेनेंस सारा ही माल वक्त सलाहियत एक खपा के ले जाता है और फिर हजरत आयशा रजी अल्लाह तहा ने नबी वसल्लम सफर से वापस तशरीफ ला रहे थे तो एक एक तकिए के ऊपर एक तस्वीरों वाला कुछ रवायात में आता है कि एक एक ऐसा खिलाफ था तो जिस पर घोड़ों की तस्वीर थी तो आप सल्लाह ने नापसदीदगी का इजहार फरमाया था और आपने फरमाया था कि इसको उतार दो आप सफर से वापस तशरीफ ला रहे थे और हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला के घर वो बेटी जो इतनी महबूब थी कि फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है सफर के वापस आके सबसे पहले नमाज मस्जिद नबवी में दो नफल पढ़ते थे और फिर हजरत फातिमा के घर तशरीफ ले जाते थे तशरीफ लाए और एक मौके पर तस्वीरों वाला एक पर्दा लटका हुआ था आप मिले बगैर वापस तशरीफ ले गए थे हजरत फातिमा दौड़ती भी गई जब पता चला कि वालिद आए और मिले बगैर तशरीफ ले गए हफ्की का पता चला गई पूछा वो पड़ता उसको फाड़ के फेंक दिया घरों में तस्वीरें रू चीजों की तस्वीरें स्टैच्यूज आर्ट गैलरीज बना ली आज हमने अपने घरों को घरों का सजाना डेकोरेशन सब रब पसंद होगी रब के हदूद के अंतर होगी चाहे मेरे माशे को अच्छी लगे चाहे उसकी वजह से मेरे ऊपर फनाटिक औरडोक्सड होने का लेबल लगे लेकिन घरों को आर्ट गैलरी नहीं बना लेना आज हमने अपने घरों में आर्ट गैलरीज बना दी है पोते पोतियों की तस्वीरें अरे ये नेमतें थी ये दीवार पर आवेजा करने के लिए नहीं थे बहुओं की बेटियों की ब्राइडल शूट्स की तस्वीरें वहीं पर वहीं पर वो कारपेंटर भी फिरते हैं इलेक्ट्रिशियन भी फिरते हैं प्लम्बर्स भी आते हैं हमारे घरों की वो तस्वीरें आर्ट गैलरियां वो पता नहीं किस किस का पर्दा खराब होते हैं। और वैसे भी मुसवरों को बदतरीन अजाब दिया जाएगा उनसे तो कहा जाएगा ये तूने अल्लाह की मखलूक की तरह जो मखलूक बनाई है उसमें रू तो भर और फिर हदीस ने बता दिया था कि जिस घर में कुत्ता और तस्वीर होगी उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे चाहते हैं कि हमारे घरों में तस्वीरें हों या चाहते हैं कि हमारे घर अल्लाह की रहमतों से मालामाल हो जाए ये तस्वीरें ये मॉन्यूमेंट्स ये स्टैचूज ये फिगर्स अपने आप को इससे बचाए ये घर बना है तो सजेगा भी अल्लाह के हुक्म से यहाँ की महफिलें अल्लाह के हदूद और क़यूद के मुताबिक होंगी शरीयत के पर्दे के एहतमाम के मुताबिक होंगी अपने घरों को अपने वॉशरूम्स को तमाम को सुन्नतों के मुताबिक बनाइए अल्लाह सुबहाना ताल हमें अपने घरों की बुनियादों से लेकर उनकी तामीर उनकी तजयन उनकी आरइश उनकी सजाना और उनको मामूर और उनको आबाद करने में हमारी मदद फरमाए हमारी रहनुमाई फरमाए हमारे लिए आसानी और सहूलतें करे और ला सुबहाना तम सबको हम सबको सब जन्नत के घर में जमा होने का हिर और जौक और शौकता फरमाए और आइंदा का बेतनफन्ना जब इस घर में कदम रख रही हूं होंगी तो ये दुआ भी जरूर अपनी जबान पर रखिएगा कि अल्लाह तूने ने इतना बड़ा खूबसूरत रास्ता घर दे दिया है मेरी कबर को रउजतिल जन्ना बना देना मेरे फौज शुदगान की कबरों को रउजतिल जन्ना बना दे और अल्लाह रबनी रब ली आइंदा का बई तन फिल जन्ना अल्लाह इस घर से बेहतर घर मुझे जन्नत में बना देना और फिर इस घर में शिफ्ट होकर अल्लाह महासिबना खिसा यसीरा, अल्लाह तूने नेमतों से माल कर दिया तो हिसाब आसान लेना हिसाब का फिकर भी करें और आसान हिसाब की दुआ भी करें अल्लाह इन्नी आरूज बेका मिनजवा लेने और अल्लाह तुझसे नेमतों के जवाल से बचने की दुआएं करते हैं अपने औलादों की हदायत की दुआ करें अपने अपने नेमत, जो नेमतें देने वाले और रहसान करने वाले के लिए दुआएं करें अल्लाह सुबहना हमें हर हाल में राजी ब रजा रहने वाला बना हमें जाकिर जबान शाकिर दिल और साबिर जिसम के साथ हमें दीन के मददगार अजवाज बना हमारे घरों को जन्नत के नमूने बना और अल्लाह हम सबको और हमारे अहल खाना को अगले पिछलों को जन्नत के बला खानों में सबको जमा फरमा ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب بالعالمين العالمين آمين ثم آمين